सो गाइज, आपको तो पता चल ही गया होगा कि इंडिया में पबजी को बैन कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक विचार जरूर आया होगा कि पबजी तो चाइना नहीं है, चाइना की नहीं है, तो इसको क्यों बैन किया है। सो इन सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दिए जाएंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, 2019 में सबसे पहला प्रस्ताव आया था जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री की ओर से। उन्होंने कहा कि पबजी हमारे छात्रों के लिए बहुत ख़तरनाक है, इसमें छात्रों का पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए का कहना था कि पबजी को बैन कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, तभी भी पबजी बैन नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों होता है दूसरा विवाद। सो दोस्तों, दूसरे विवाद में एक जम्मू कश्मीर के एक फिटनेस ट्रेनर है, उनकी मानसिक हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने लगातार 10 दिनों से पबजी खेला था। वो इतने इसमें इंटरेस्टिंग हो गए थे कि उन्होंने 10 दिन तक अपने फ़ोन को नहीं छोड़ा और पबजी खेलते रहे। इसी के साथ उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, तो वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। तब भी दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ओर से विवाद छेड़ा कि पबजी को जरूर से बैन कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, तब भी पबजी को बैन नहीं किया गया था। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरा मामला है वो है फरवरी 2019 में मुंबई के एक लड़के ने अपने घर वालों से 37,000 रुपये का फ़ोन लेने का डिमांड किया। तो घर वालों की हैसियत केवल 20,000 रुपये देने की थी, तो दोस्तों उन्होंने 20,000 दिए लेकिन लड़का नहीं माना, तो उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों ये मामला बहुत गंभीर था। इसके बाद भी मुंबई की तरफ से ऐसा विवाद आया कि पबजी को बैन कर दिया जाए, लेकिन तब भी पबजी पर बात आती है दूसरे विवाद की, जो हुआ मार्च 2019 को। सो दोस्तों, 2019 को भी ऐसे प्रस्ताव राजकोट गुजरात की तरफ से रखे गए, जिनमें बताया कि जो पबजी खेलेगा उसको सख्त अपराध माना जाएगा और उसको 200 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, तब भी पबजी बैन नहीं किया गया। स्टूडेंट ऐसे ही खेलते रहे और पागल होते रहे, कई सुसाइड होते रहे, लेकिन तब भी पबजी बैन नहीं हुआ। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है जुलाई 2020 की। दोस्तों, जुलाई 2020 में एक बहुत बड़ा केस आया, जिसमें 17 साल के एक लड़के ने अपने पिताजी के अकाउंट से 16 लाख रुपए जो थे वो पबजी में लगा दिए थे, मतलब वेस्ट कर लिए थे केवल पबजी के चक्कर में। सो दोस्तों, इस विवाद से भारत सरकार बहुत जागरूक हुई और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और इसी तरह आज अपने देश में पबजी को बैन कर लिया है। तो बहुत ख़तरनाक दोस्तों ये पबजी है, इसको आप बिल्कुल मत खेलिए। वैसे खेलेंगे कैसे, अब तो पबजी बैन कर लिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा दोस्तों।